नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि मॉइस्चराइज़र कैसे बनाएं घर में, बिल्कुल आसानी से बनाएं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, आप उसे दबाकर सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बैल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम किसी से भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, मॉइस्चराइज़र, जी हाँ दोस्तों, सर्दी के मौसम में त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है। इस वजह से लोग त्वचा की नमी को बरकरार रखने के लिए बाज़ार के मॉइस्चराइज़र का प्रयोग करते हैं, जो बहुत महंगे होते हैं और नुकसानदेह भी होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि घर में किस तरह से मॉइस्चराइज़र बनाएं और किस तरह से इसका प्रयोग करें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और सर्दी में आपकी त्वचा जो रूखी ना रहे, बेजान ना रहे और नमी जो है वह बरकरार रहे। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। बाहर में जो भी बाज़ार में जो भी जो मॉइस्चराइज़र मिलता है वो जो है कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान ज़रूर पहुंचाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो है शहद, या दोस्तों शहद, रूखी त्वचा पर शहद लगाने से त्वचा फटती नहीं है। प्रभावित हिस्से पर 15 से 20 मिनट तक शहद लगाएं और इसे गुनगुने पानी से धो लें। शहद से त्वचा की नमी बरकरार रहती है। आप हफ्ते में 2 दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, अच्छी क्वालिटी, अच्छी कंपनी का शहद लाएं और जहां भी रूखी लग रही है वहां पे लगा के जो है 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें। उसके बाद जो है आपको गुनगुने पानी से धो लेना है। तो इससे जो है आपका मॉइस्चराइज़र जो है बॉडी में बना रहेगा, नमी बनी रहेगी। अगला उपाय है दोस्तों तेल। जी हाँ दोस्तों, तेल हम सब भारतीयों घर में कम से कम आपको ये तेल तो ज़रूर मिल जाएगा, जिसे कहते हैं हम नारियल का तेल। नारियल का तेल हो या फिर हो आपके पास जैतून का तेल हो, जी हाँ दोस्तों जैतून का तेल हो या फिर अरंडी का तेल हो या फिर कैस्टर ऑयल, किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जो आपके पास अवेलेबल हो, जो मैंने आपको बताया है। नहाने से पहले 2 मिनट तक के आपको शरीर को मालिश करें अच्छी से। कोई भी तेल से आप कर लें जो आपके पास अवेलेबल हो, जैतून द बेस्ट। अगर आपको जैतून नहीं मिल रहा है तो नारियल तेल, कोई भी आप तेल लगा लें जो आपके पास है, लेकिन नहाने से 2 मिनट पहले शरीर में कस के मालिश करें। आप इस तेल को रात में लगाकर सो भी सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो रात भर लगा के रहने दें। त्वचा की नमी बनाए रखने के लिए नहाने के बाद भी इन तेलों का इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। जैसे कि आप नहा के आ गए, उसके बाद भी आप इस तेल का इस्तेमाल कीजिए। इससे जो है आपकी मॉइस्चराइज़र बना रहेगा। बहुत ही बढ़िया उपाय है दोस्तों, हम सभी लोग जानते तो है लेकिन करते नहीं है, लेकिन ज़रूर करना चाहिए। एलोवेरा जेल, जी हाँ दोस्तों, एलोवेरा जेल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल आप खुद भी निकाल सकते हैं, घर में एलोवेरा का पौधा लगाइए, उससे जेल निकाल लिए और फ्रेश, तो कमाल की चीज़ होती है दोस्तों। उसको खा भी सकते हैं, उसका जूस भी पी सकते हैं, बहुत से फ़ायदे हैं। मैंने इसके ऊपर एक प्रोग्राम बनाया है, अगर आप नहीं जानते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल में देखिए, एलोवेरा के फ़ायदे, एलोवेरा कैसे निकालते हैं वो मैंने पूरा वीडियो बना के डाला है, तो ज़रूर आप एक बार देख लें अगर आपको नहीं मालूम है तो। अगर आपके पास जेल है तो भी चलेगा, एलोवेरा जेल से भी स्किन मॉइस्चराइज़र हो जाती है। एलोवेरा जेल को अच्छी से मैश कर ले और त्वचा पर इसे 10 से 15 मिनट तक के आपको लगा के रखना है दोस्तों। पहले मालिश करना है आपको इसकी और अच्छे से लगा के रख दें। अब इसे गुनगुने पानी से धो लें, तो जो भी प्रभावित जगह है जहाँ भी आपको लगता है, और चाहे तो पूरी बॉडी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो जहाँ ख़ास तौर से जो जगह जो है आपको रूखी लग रही है, जहाँ नमी कम लग रही है, वहाँ ऐसा करें आप। तो इससे जो है हल्के गुनगुने पानी से धो लें आप। हर दूसरे तीसरे दिन इसका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, हर दूसरे तीसरे दिन आप इसका जो है इस्तेमाल करें, दूध या दही। या दोस्तों अगर आप दूध है तो बहुत बढ़िया, दूध नहीं तो दही और भी बढ़िया, बहुत बढ़िया है दोस्तों। नहाने से पहले 10 से 15 मिनट तक, यहाँ दोस्तों 10 से 15 मिनट तक के जो है प्रभावित हिस्से में दूध या दही को लगाएं और 10 से 15 मिनट तक के उसको छोड़ दें। फिर हल्के गर्म पानी यानी गुनगुने पानी से नहा लें या धो लें। सप्ताह में जो है आपको 2 बार इसका प्रयोग करना है। अगर आपको डेयरी उत्पादन से एलर्जी है तो इसका प्रयोग ना करें। या दोस्तों अगर आपको मान लीजिए किसी एलर्जी है तो ना करें। तो इसके अलावा मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे दही के बारे में आप सभी जानते होंगे कि दही कितना फायदेमंद होता है। तो आपको अगर दूध मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो दही, उससे भी आपका काम बन जाएगा। एवोकाडो, जहाँ दोस्तों एवोकाडो को काट कर इसका गूदा निकाल लें और अच्छे से स्मैश कर लें। इसे 10 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं और गुनगुने पानी से धो लें। हफ्ता में 2 बार इसका इस्तेमाल करें और फिर फ़र्क देखें। या दोस्तों आपको पता चल जाएगा अगर आपके चेहरे में नमी नहीं है, रूखापन है, बेजान है, तो आप जो है एवोकाडो फल लाएं और उसके गुद्दे को निकाल के अच्छे से स्मैश करें और इसे अपने चेहरे पर लगा के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। बाद में हल्के गुनगुने पानी से धो लें। तो इससे जो है आपकी चेहरा देखिए 2 सप्ताह के अंदर में ऐसे धमकने लगेगी कि आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों। गुलाब जल, जहाँ दोस्तों गुलाब जल के बारे में हम सभी जानते हैं करीब करीब। गुलाब जल में ग्लिसरीन मिलाकर चेहरे पर लगाएं। जी हाँ दोस्तों, ग्लिसरीन आपको मिल जाएगी आसान से। इसको दोनों को मिला लें, गुलाब जल और ग्लिसरीन को। अब इसे अपने चेहरे पर लगाएं और इसे जो है 5 से 7 मिनट तक रहने दें, 10 मिनट तक रहने दें तो भी चलेगा। और फिर इसे जो है आप धो लें। देखिए इससे आपकी त्वचा में नमी आ जाएगी, चमकने लगेगी। तो आप इसे भी सप्ताह में 2 से 3 बार आराम से कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, रोज में आपको जो है ग्लिसरीन मिलानी है। ग्लिसरीन आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले आइए दोस्तों। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जो है आप किस तरह से जो है मॉइस्चराइज़र जो है अपने चेहरे पर ला सकते हैं ऑर्गेनिक तरीके से। तो दोस्तों शहद एक जो है ऑर्गेनिक होता है, इसमें एंटी बैक्टीरियल होता है, तो इसलिए ये मुहासे के उपचार के लिए काफ़ी प्रभावशाली होता है। अगर आपको मुहासा हो जाए तो इसको लगा ले, इससे मुहासे भी गायब हो जाएंगे, बड़ा फायदेमंद होता है। साथ में ये बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। शहद एक बहुत ही शानदार क्लिंजर होता है। इसे खास बात यह है दोस्तों कि शहद के इस्तेमाल से त्वचा में कोमलता और ग्लो आती है, यानी कि चमक आ जाती है। 2 चम्मच शहद में 8 चम्मच गुलाब जल मिला लें, 2 चम्मच शहद और 8 चम्मच गुलाब जल मिला लें। अब इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं और सूखने दें। कुछ देर बाद गुनगुने पानी से धो लें, एकदम ज़बरदस्त परिवर्तन दिखेगा। बटर मिल्क आपकी त्वचा के लिए बहुत बढ़िया मॉइस्चराइजर है। मॉइस्चराइजर के रूप में इसे इस्तेमाल करने के लिए ठंडे बटर मिल्क में 1 मलमल या सूती कपड़ा डुबोएं। जी हाँ दोस्तों, बटर मिल्क ले लें और उसमें आपको सूती कपड़ा जो है डुबोना है। इस कपड़े को अपने चेहरे पर 5 से 10 मिनट तक लगा के ढक दें, फिर इसे धो लें। इससे चेहरा आपका मॉइस्चराइज हो जाएगा। ऑयल ऑयल बहुत ही फायदेमंद है। लंबे वक्त से ऑयल ऑयल का इस्तेमाल एक नेचुरल मॉइस्चराइजर के रूप में किया जा रहा है। तो इसे करना क्या है, इसके इस्तेमाल के लिए ऑयल ऑयल जो है कि कुछ बूंदों को लेवेंडर एसेंशियल ऑयल में 2 बूंद के साथ नहाने से पहले मिलाएं। इस पानी को नहाने से आपकी त्वचा मॉइस्चराइज हो जाएगी। कैस्टर ऑयल में उच्च मात्रा में फैटी एसिड होता है जो आसानी से त्वचा में अब्जॉर्ब कर लेता है। तो रूखी त्वचा पर पड़े धब्बे और हाइड्रेट त्वचा को कैस्टर ऑयल से फ़ायदा पहुंचता है। हर रात कैस्टर ऑयल की कुछ बूंदों हाथ में लेकर चेहरे पर हल्के से मसाज करें। इससे त्वचा एकदम नरम हो जाएगी।
नारियल का तेल, नारियल का तेल एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है दोस्तों, फिर से आपको बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और आप इसका इस्तेमाल कर सकें। इसमें एंटी एजिंग गुण भी होता है, यानी कि आपकी उम्र को जो है ये कम कर देता है नारियल का तेल। तो आप इसे लगाएं, इससे जो झुर्रियाँ जो आ जाती है समय से पहले वो आना बंद हो जाएगी। अगर झुर्रियाँ हैं तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। 2 चम्मच नारियल के तेल में 1 चम्मच शहद मिला लें। 2 चम्मच नारियल का तेल लें, उसमें 1 चम्मच आपको शहद मिलाना है और 1 चम्मच जो है संतरे का रस मिला लें। संतरा जो मिल जाए दोस्तों तो उसका रस मिला लें और इसे रूखी और फटी हुई त्वचा पर लगाएं। सूखने पर गुनगुने पानी से धो लें। इससे जो है आपका चेहरा एकदम मॉइस्चराइजर हो जाएगा। खीरा, जी हाँ दोस्तों, खीरे में पानी के 95% मौजूद होता है, इसी कारण त्वचा के लिए मॉइस्चराइजर का काम करता है। खीरे से चेहरा धोने के लिए बस एक खीरे के रस को निकाल लें और अच्छे से गर्दन और चेहरे पर लगा के 30 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद सामान्य पानी से धो लें। ऐसा करने से आपकी त्वचा एकदम चमकदार और दमकदार बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मैंने जो जानकारी दी है वो ज़रूर पसंद आई होगी। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो बहुत आसान उपाय है दोस्तों, खीरा, खीरा जो हम खाते हैं उसको खा भी लें और उसका रस निकाल के चेहरे और शरीर में लगा लें, वो भी ज़बरदस्त फायदेमंद है। तो दोस्तों इसी के साथ आप मुझे इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।